तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। रियासी म्यूनसिपल काउंसिल दे विच इस वेले लगातार जी है इंसानी की आबादी जी है वह बढ़ा दी है, क्योंकि जेडे लोग दूर दराजी इलाके तो जमीन खरीदिए जड़े ने हूँ रियासी दे विच इस वेले रोआ दे या किराए पर रोआ दे, वो एक म्यूनसिपल काउंसिल रियासी वास्ते इस वेले बर्डन जिहड़ा है वह बड़ा वड्डा बधी चुके दा। म्यूनसिपल काउंसिल रियासी दे चेयरमैन सुदेश पुरी इयै आखदे कि हुण साढ़ा जिहड़ा बिजली और पानी या और जिन्ने भी फंड्स जिहड़े ने वो असें की वोटरें के हिसाब कन्ने रियासी दे विच जिहड़े ने वो दित्ते जांदे ने। पिछले दिन साड़ी खास गल भी हुई ही म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी होरें उनके कन्ने और उन्हें तफसीलात जिहड़ी है जानकारी ये दी ही कि असें की जिहड़ी है म्यूनसिपल काउंसिल की चलाने वास्ते जिहड़ी है बड़ी ज़्यादा जिहड़ी है मुश्किल पेश आवा दी है, क्योंकि सरकार जिहड़ी है वो लगातार वोटरें के आधार के उपर जिहड़ा है वो बिजली दिंदी है और पानी दिंदी और गलियों के उपर जिहड़ा है वो पैसा जिहड़ी है वो खर्च करती है। ये तुसीं बाजार रियासी की बस स्टैंड की गै इस वेले पूरी तस्वीर दसी जा रही है कि यह बस स्टैंड रियासी जिहड़ा है ये बस स्टैंड रियासी है और लोगों की संख्या भी तुम तो दिखी सकते हो कि कितनी ज़्यादा है इस वेले आमदोरफ्त जी लोगों की लगातार जी बनी दी होंगी है और म्यूनसिपल काउंसिल रियासी जी है लगातार रियासी बस स्टैंड हो या गलियां होंगन चौक चौराहे होंगन उनके उपर जी है चार पैसे लाने की जी गलबात भी जी करा दी है और लगातार विकास भी जरूर जोड़े है और त्रौ साल अंदर जोड़ा वो दिखने की लभ्या है। रियासी म्यूनसिपल काउंसिल ने जोड़ा है ये जो तुम स्क्रीन पर सामने जो शड दिखा दो बने दे ठीक अस शडे उन्हें इनके कोल के खड़ोते हैं 20-25 जीडियां नवीं दुकाना शड जोड़े ने तैयार किए गए हैं। हूँ म्यूनसिपल काउंसिल रियासी जी तरक्की की तरफ जी लगातार बढ़ा दी है, लेकिन हर्डल्स जीडिया दिक्कत जी उस वेले पेश आई जाती है म्यूनसिपल काउंसिल रियासी की जिस वेले बिजली की गल होंगी या पानी की गल होंगी है सरकार जी है पिछुआ उस हिसाब कन्नै जो काउंसिल की जो फंड्स जो मुहैया करा दी, लेकिन आबादी जी है वह वोटरों को वध होने के कारण जो है वह काउंसिल डगमगाई जाती जिदी वजह कन्नै आए दिन जी शिकायतें भी कुदै ना कुदै कमजोरियां सामने आदि रोंदियां। हूँ म्यूनसिपल काउंसिल रियासी ये लगातार आखा दी है कि बिजली अगर साड़ी यूज़ की जाती तो कम से कम वोटर भी जोड़े ने रियासी के गए होने चाहिए। बोर्ड जोड़े ने लोगों के अपने बैकवर्ड एरियाज़ के होंगे और बैकवर्ड एरियाज़ का कुदै ना कुदै फायदा भी लोगों की जरूर होता जिसे चलते हुए जोड़ा बैकवर्ड जोड़ा है वो अपना एरिया जोड़े ने चेंज नहीं करवाते अपना वोटर आई डी जो चेंज नहीं करवाते हैं। उपर गै सारी गलबात जी है वो की गई म्यूनसिपल काउंसिल रियासी की तरफ का अवगत भी करवाया गया और खास तौर पर साढ़े कन्नै म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन होर गल करिए भी जरूर दस्या कि असें की इस वेले दिक्कत जरूर जी आवा दी है अज दिन जीडिया रियासी के दिखते रहने कि समस्या जीडिया सामने उत्पन्न होंगे रोंदियां खास करिए गलियों की गल करचै म्यूनसिपल काउंसिल दे रियासी दे विच पानी की गल करचै या बिजली की गल करचै आए दिन गुल भी रोंदी है अवैध कट भी होंदे रोंदे जिहदे चलदे लोग निराशा जरूर जताते रोंदे, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल रियासी दे चेयरमैन जिहड़े ने इह साफ तौर पर आखदे कि हुण म्यूनसिपल काउंसिल दे जिहड़ा वोटर जिहड़ा सिस्टम है जिहड़ा उसी चेंज किया जाना चाहिए। हुण इलैक्शन कमीशन जिहड़ा इहदे उपर जिहड़ी है वह ध्यान दे है दुरुस्ती दे है ताकि जो वोटर जोड़ा और बधी सके और उस हिसाब का जो पैसा जोड़ा रियासी म्यूनसिपल काउंसिल की जोड़ा वो सैक्शन हो सके। फिलहाल जी तरक्की है म्यूनसिपल काउंसिल रियासी की जी दिखी जरूर जाती है। बस स्टैंड के तार कोल जरूर बिछाए गए हैं। मेरे पिछले जोड़े शड तुम दिखा दो जोड़े निर्माणधीन जोड़े ने जोड़े बनाए गए दुकाना जीडिया यह भी जीडिया आने वाले दिन कुछ दिन के तैयार हो जाए सौगात इनकी थी जानी है रेवन्यू भी जोड़ा अच्छा खासा जनरेट जी है म्यूनसिपल काउंसिल हूँ करी सकती है। बस स्टैंड की जी तरक्की जी है वो दिखी गई है टायल जी पाई गई है हमेशा बस स्टैंड रियासी जोड़ा पहले खड्डे के डुबे का रोड लेकिन हूँ कुदै ना कुदै रियासी बस स्टैंड गड्डियां भी लगी दी जन वो लभदियां न अच्छे खासे तरीके कन्नै और म्यूनसिपल काउंसिल रियासी जी है हून जेहड़े जगह जगह जेहड़ा शौचालय भी जेहड़ा वो बना दी है हून शौचालय बनाने के कन्नै कन्नै हून म्यूनसिपल काउंसिल रियासी जी हून इक आखदी है कि हून जेहड़ी आबादी जी है वह आबादी कुदै ना कुदै म्यूनसिपल काउंसिल की डिस्टर्ब जरूर करा दी है, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ी जा रही है और सरकार जेहड़े फंड्स जेहड़ा पैसा जेहड़ा मुहैया म्यूनसिपल काउंसिल की दे जा रही है वो जेहड़ा बड़ा घट है। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह रियासी। आज जम्मू च ओल्ड वाइन ट्रेडर्स तरफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्या कुछ इन्हां गी जो है इन्हां मतालबा है हुकूमत करने तुसे क्या आखना चाहगे जिवें तुसे आखिया कि तुसे खुश नहीं हो जो पॉलिसी बनाई गई है वाइन पॉलिसी। देखो असी जेहड़े आ ना इस करके खुश नहीं हैगे कि जेहड़ी चीजां साडे नाल कीतियां गईयां ओ जेहड़ियां चीजां ने ओ किते भी जमीन ते नजर नहीं आईयां ते असी इहो कहना चाहने आ यार असी जम्मू दे लोग आ जम्मू दे लोगां नूं दरकिनार करके तुसी इक ऐसा जेहड़ा माशरा क्रिएट कर दिता। अज इतनी ओवर चार्जिंग है कोई चेक नहीं है उस उत्ते ठीक है दो चार दस जगह और एक चीज होर दसां तुहानू कि इस दौर दे विच
20 ml जी है दारू घट भी की और गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने फाइन भी किया, लेकिन वह फिर परमिट कर दिता कि वह तुसी दारू जी कस्टमर गई। यार क्या हो की रहा, ये साढ़े जमाने च ये चीज नहीं सी, असी बड़े शराफत लिए काम किया। असी रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब यार, हमें हम कोई आपके दुश्मन नहीं है और हमें जो है कुछ ना कुछ जो है हमें दे। आखना ए मतलब है कि तुम चाहते कि एक जो नेक्सस बना रहा है बाहर की स्टेटा का, यह खत्म किया जा। देखो ये नेक्सस सारे पहले सानू कहते सन, लेकिन 228 दुकाना चो 200 परिवार चला रहे सी ये काम, वो नेक्सस नहीं सी। आज नेक्सस है, आज नेक्सस है। और देखो जिसले असी काम करते हैं 10% के प्रॉफिट से काम करते हैं, बेनीफिट देने वास्ते लास्ट ईयर 15% करता और अज ये जरा 20% कर दिता। यार क्यों है इतना, असी 6% तो शुरू होके इतने सालों के 10% पुजे, ये एवरी ईयर इनक्रीज दी जा रही है। तो फिर कहा जा रहा है कि नहीं ये कॉटलाइजेशन, अज कॉटलाइजेशन है और सामने दिख रही है, तुसी रोज देखो रोज शोर पिया है। ये चीजा नहीं होनी चाहिए। असी कहने असी सिटीजन ऑफ J&K, सिटीजन ऑफ इंडिया, असी को बाहर दो लोग नहीं है। सानू रोटी साड़ी अपील है होम मिनिस्टर साहब के अगे जेडे कि J&K यूटी उन्होंने हाथ में हैगी है और LG साहब कि हमारी जो है हमारी डिमांड ये है कि हम रोटी रोजी का प्रबंध करें। हमारे ऊपर बैंकों के कर्जे हैं, हमारे 9-10 लोग मर गए हैं, वो एटलीस्ट हमारा ध्यान तो दो यार। हम कर के रहे हैं, हमने किसी को गाली गलौज नहीं की, हमने किसी को बड़े रिस्पेक्ट। कितने के मतलब शॉपकीपर ने जेडे के इफेक्ट हुआ जेडे करने? देखिए हमारे लोग जो हैं वो पहले क्या था कि पहले आज भी जेडे लोग ने वो काफी सारे जेडे ने वो इस पॉलिसी दे विच फॉल नहीं किते। तो और उन्होंने दे विच ए हैगा कि असी कहने हैं कि आज एक गवर्नमेंट ने एक लिस्ट प्रिपेयर की कि पुराने लाइसेंसियां दे विच किन्ने लोगों ने काम किया और 228 दे विच 172 लोगों की लिस्ट बनाई उन्होंने कि जेडे लोग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो लिहाजा यह है कि साड़ी रिक्वेस्ट है, अज एक चीज होर इन्होंने करन जा रहे ने, वो ये कह रहे ने कि जेड़ा कोटा किसी का बच जाता है वो 1 रुपया फीस दे के तुसी दूजी दुकान से शिफ्ट करो। ये तो ठेकेदारी है ना, ये दुकानदारी नहीं है और एक टोटली प्रोक्सी। और एक सिंपल जी गल दस दें कि एक दुकान मिनिमम छोटी दुकान तो भी चला, छोटी सेल वाली दुकान भी 60 लाख रुपया चाहिए। तो यह मैं दसो कि जेडे लोग इस ट्रेड में आएंगे वो 60 लाख रुपया कितों ले आएंगे, ये प्रॉक्सी होगी। कई डीलर ने एक एक कमेंट लगे तुम्हारे को तुम किसके जानते अस चाहते हैं कि गवर्नमेंट न इस जी नई जी कल तो ऑक्शन करने की शुरू कर रहे हैं, जड़ा वादा उन्होंने साढ़े नाल कीता साढ़े लोगों नाल कीता सी कि अस तुसें ही कुछ ना कुछ इस पॉलिसी में हिस्सा देंगे, तो उन्होंने वह हिस्सा नहीं दिता। अस अज भी रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब नूं कि तुस सानू कंसीडर करो, अजा भी टाइम हैगा, कल सवेरे इन्होंने कल शुरू करनी है। इस वास्ते असीं चाहते हैं कि सानू इस विच कंसीडर करके जिहड़ा तुसें वादा साढ़े नाल कीता सा हायर अथॉरिटीज ने जिन्हां नूं असीं बार बार मिलते रहे उन्हें पूरा किया। तुसीं की कहना चाहोगे? बस मैं भी इयै गल आखना चाहना कि जेडे 250 लाइसेंसी ने जुआड़े ने, 250 का मतलब एक घर च अगर 4 GB हो 1000 आदमी इफेक्ट होया, उस 1000 आदमी की इस उम्र चाहिए इफेक्ट किया कि 2 दिन के नोटिस बेच के सारा कारोबार का सिलसिला खत्म हो गया। फिर पिछले 2 साल दस इन कहने दौड़ भज भी लाई दी है, फिर साड़ा कोई सोचो इस बार इन्हें वादा किया जो कुछ ना कुछ तुम देगे, हूं वह दिता की नहीं, इन पर के मजबूरी आई वो तो जानन, पर अजा भी मौका अस आखने कि कुछ ना कुछ दियो। 70 साल की उम्र जो कोई काम नहीं कर सकते और बच्चे भी खजल हो जाते हैं। कई फैमिलिया जिड़िया के इफेक्ट होवा दी है इस पॉलिसी करने, इन्हें क्या आखदा कि साडे कने गलबात की जाए तो बिछला कोई रस्ता निकाले जाए ताकि इत्थे दे जेहड़े लोकल जेहड़े ट्रेड वाइन दे डीलर ने वह भी इहदे कने इफेक्ट ना होण, कने उहदी भी इफेक्ट ना होण, कने इंपलायमेंट भी जनरेट होंदी रहे। फिलहाल इस डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना के कैमरामैन चांद कने राजन वैद न्यूज 18 जम्मू। तुस दिखा करते न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट के अज तुसी ने अस लिया है सांबा जिले के विजयपुर इलाके के विच। और इसला अगर गल करते तो अस रख बरूटिया विच मौजूद हाँ और रख बरूटिया ग्राउंड के कोल मौजूद हाँ और तुसी देख सकते हो यह जिहड़ा जंगली इलाका मेरे कने लगा करता, इत्थे जिहड़ा कि राती जिहड़ी एक खबर लभी है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने एक ड्रॉपिंग की है जाने कि हथियार सुटे ने। और मैं तुहानू वह एरिया पहले दसना चाहांगा, तुसी देख सकते हो तस्वीरें दे विच इसला सिक्योरिटी फोर्स जिहड़ी है वह आले दुआले की शाना करती है तलाशी करा करती है। तुम देख सकते हो CRPF के जवान जो लगा करते हैं इतने और बिच तलाशी जी अभियान जारी ताकि कोई और
किस्म की चीज जी इतने नहीं पे रही है। लगातार पूरे इलाके की सर्च किया जा करता। पहले तो यह जानकारी दी चल जाए कि रख बरूठिया बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन की बखी का एक ड्रॉपिंग की गई जिसे एक पैकेट जरा सुटिया गया और यह पैकेट इतने पेदा हा। यह जगह दिखा कर दौ जरा गत बने इतने पैकेट जरा ड्रोन की बखी का सुटिया गया और जरा एक धागा हा बड़ा लंबा धागा हा जरा धागा कि ग्राउंड धड़ी विषय का हा और जिन्हें कोई इतने सैर कर सवेरा पुजे और सैर करते करते उन्हें देखा धागा पेदा कोई शख्स ही लोकल उन्हें धागा देखा और धागे की खिंचा तो उन्हें खिंच लगी उसके बाद उन्हें इतने देखा नहीं एक पैकेट पेदा जरा पार्सल एक तौर पर बने हा। अगर पूरी गल करचै कि उसके बाद उन्हें पुलिस की सूचित किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे पैकेट की जरा अपने कब्जे च लेता और जिया गया फिर उसके बाद अगर गल करचै तो एफ एस एल टीम जी मौके पर पुजी उसके कन्ने कन्ने बम स्क्वाड जरा बंब निरोधक दस्ता जरा सांबा जिले का वह पुजी उस टीम ने कब्जे लिए उस पैकेट की खोलिया और पैकेट के खोलने बच्चा जरा है कि हथियार जे बरामद किए हैं उस गल करचै कि तीन जड़िया पिस्टल लभ और छे मैगजीन तो कन्ने चार जे चाइनीज ग्रनेड और कुछ राउंड जड़े ने वह पुलिस ने बरामद किए और लगातार पाकिस्तान की बखी अगर गल करचै तो इे कोशिशा जीडिया ना वो की जा कर दी सांबा इलाके कई बार पिछले दिन की अगर गल करचै तो कई बार ड्रोन की मूवमेंट जी दिखी गई है और पिछले दो दिन की अगर तीन दिन की अगर गल करचै तो बाबा चमलियाल पोस्ट जी रामगढ़ सैक्टर सब सैक्टर के उत्थे पाकिस्तानी ड्रोन दिखाया गया जिसके बाद पी एस एफ के अलर्ट जवान ने जोड़ा कि उसे फायरिंग की और पाकिस्तान ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन की जोड़ा खदेड़ी दिता गया और उसके अगर पिछले कल की गल करचै तो स्टाफ टू पोस्ट जी इंटरनेशनल बार्डर अरनिया सब सैक्टर बड़ा उत्थे भी पाकिस्तानी ड्रोन जरा लभे उसके बाद बी एस एफ के सतर्क जवान ने जोड़ा कि फायरिंग की उसी भी खदेड़ी दिता उसके बाद अगर गल करते जवाबी कार्रवाई के जी सा जानकारी पूजी जवाबी कार्रवाई के पाकिस्तान की बखी का भी जो फायर किए गए उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सिस की बखी का जो इलाके के जी निगरानी बधाई दी गई और अलर्ट करी है बार्डर के उपर जरा बड़े पैमाने पर जरा सर्च ऑपरेशन जरा है वह चलाया गया। लेकिन अगर गल करचे उस ड्रोन की तो ड्रोन वापस चला और अज सवेरे की अगर 7:30 बजे की गल करचै तो सांबा जिले के विजयपुर इलाके एक ड्रोन की जी ड्रॉपिंग है वह दिखने लगी और लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करा करता है कि जम्मू कश्मीर के जी शांति फैली है उसी अशांत किया जा और इस पीस की डिस्टर्ब किया जा और हालात जोड़े ना खराब किए जा और ये इले हथियार जोड़े ना जे आतंकवादी गतिविधियों के लोग हैं उन्हें की हथियार दे जम्मू कश्मीर के खून खराबा ज किया जा सिविलियन टारगेटिंग की टारगेट किलिंग जी दिखने लगती है। फिर ये बाद और अगर गल करते हैं पुलिस अलर्ट और अज सांबा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी जी हथ लगी है। पुलिस ने जेडे कि हूँ पुलिस की बखी का पूरे नैशनल हाईवे पर अगर गल करचै तो अलर्ट करी दिते गया जगह जगह नाके लाइए जेडे कि चैकिंग की जा करती तो इे कोशिश जेडे पाकिस्तान है लगातार जेडा करा करता बार बार मूँह दिखाने पर अगर गल करचै इंटरनेशनल बार्डर के पर उत्थे भी मूँह दिखा रहा बार बार और एल ओ सी पर मूँह दिखाने बाद लेकिन बावजूद भी पाकिस्तान जरा अपनी हरकतें को जो आवाज़ नहीं आवा करता। और अज विजयपुर के एक और ड्रोन ड्रॉपिंग का जो मामला वो दिखने लगा लेकिन यह कुता ना कुता अगर गल करचै तो साड़ी सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की उसके मनसूबे सफल नहीं होने दिता और उसी पैकेट की रिकवर करिए कब्जे से लिया जी हम अगली जांच जी और जांच की जांच का विषय यह भी है कि अगर इतने ड्रॉप किया गया तो कौन ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर है उन्हें रिसीव करना हा चुकना हा अगर गल करचै कि उनके कंटैक्ट नहीं हो संपर्क नहीं हो पाया हालांकि पुलिस की एक बड़ी कामयाबी जी मनी जा करती और पिछले दिन की अगर गल करचै सांबा सैक्टर के ऐसी कई इनपुट्स सिक्योरिटी एजेंसीज की मिला कर दें कि पाकिस्तान के उस बखी शक्करगढ़ जो इलाका लगता रामगढ़ सैक्टर के कई आतंकवादी गतिविधियां जी कुछ हरकत जी वो दिखने लभा कर दें और चलते गए पुलिस जी गल करचै कि कम करा कर दी और बी एस एफ के जवान जोड़े ना अलर्ट ने जो बार्डर पर पाकिस्तान की मूह जो जवाब देने की पाकिस्तान की जवाब देने ताएं सक्षम है। और इन्हें अगर गल करचै तो एम एच ए की बखी का एक ऑर्डर पेश किया गया थोड़े दिन पहले एक आदेश जारी किया गया कि बॉर्डर इलाके जो सीमा चौकियां जो बनाई जाएंगन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो बॉर्डर बटालीयन के जवान वो तैनात किए जाएंगन और उनकी मकसद यह है कि इे गतिविधियां जो पाकिस्तान कोशिश करता ड्रग्स भेजने की ड्रोन के माध्यम कने हथियार भेजने की कोशिश करता तो इे जी गतिविधियां उनके पर अंकुश लाया जाए और लगातार जी कोशिश पाकिस्तान की इे रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात जड़े ने वो खराब किया जाए और इे ड्रोन ड्रॉपिंग करिए जम्मू कश्मीर के हालात
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੇ ਜਾਣਾ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਡ੍ਰਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣੇ ਲੱਭਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬਰੋਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ तीन पिस्टल छे मैगजीन और कुछ राउंड जिहड़े ने ओह बरामद कीते और SSP सांबा मौके पर पुजे उन्हें जानकारी दी है कि पुलिस की वक्खी दा जिहड़ी है वड्डी कार्रवाई की गई है और अगे भी जांच जिहड़ी है जिन्हां कुछ खुलासा होना ओह तुहानू इहदी जानकारी जिहड़ी है ओह दित्ती जाग। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई सांबा थवां मैं शाम सुंदर न्यूज़ एरिया एक बार फिर तुंदा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर के खोर विच लई आया जिते भारतीय सेना के पूर्व सैनिक अज साढ़े कन्नै मौजूद ने इन्हें कुछ प्रॉब्लम आवे इंदे कन्नै गल करने आ। सर के प्रॉब्लम आवदियां तुसें दी अज तुसें थाए SDM ऑफिस मेमोरेंडम दिता के प्रॉब्लम आवदियां तुसें? एक तो मैं नायब सूबेदार गुलबदन सिंह सैनिक समाज सभा खौड़ ब्लाक खौड़ ये असें सैनिक समाज सभा बनाई दी है और असें दी कल परसों एक मैसेज मिलिया नई दिल्ली का जंतर मंत्र पर जो साढ़े लोग बैठे ने उन्हें एक मैसेज दिता कि आल इंडिया 3 अप्रैल की एक समर्थन करा दें सारे एक जुलूस कटिए एक मैसेज दे दें लोगों की कि जोड़ा साढ़े कन्नै ORP 2 ORJCO भेदभाव है उसी ठीक कर और अगर जे नहीं ठीक होंगे तो अस ये कोला भी ज़्यादा अगर सारे भूतपूर्व सैनिक कट्ठे हुई है एक जुंडी बनाई है एक गौरमेंट मैसेज देंगे और दोबारा ये बारे अह करे साढ़े कन्नै होर भी किश पूर्व सैनिक ने उन्दे कन्नै भी गल करगे। सर के प्रॉब्लम आवा दी अज तुसें इत्थै सारे कट्ठे होए? मैं रिटायर्ड सेना दा सूबेदार मेजर बलबीर सिंह दिल्ली दे अंदर जिहड़ा साढ़े पूर्व सैनिक जिहड़े जंतर मंत्र बैठे और उत्थों असें मैसेज मिलिया कि 3 अप्रैल की सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट विच हर एक ब्लाक विचों ये जिहड़ा प्रदर्शन किया जा जिहड़ा साढ़े कन्नै भेदभाव होया वन रैंक वन पेंशन विच सही जिहड़ा वह नहीं होया वो जड़ा अफसर की बेनीफिट ज़्यादा होया जवान तो लिए आर्मी कैप्टन तक वो नुकसान होया बिल्कुल बराबर नहीं होया है जबकि एक जवान और JCO जो है वो सेना की रीढ़ की हड्डी होंदा और सैनिक जड़ा अगे बर्फ के बिच बुखारी भी नहीं चलाई सकता क्योंकि बुखारी जलेगी लाइट पाँदी है और फायर आता है और अफसर जड़ा पिछे बुखारी जली हुई होंगी बैंकर बिच वो पिछे होंगे और उन्हें भी जोड़ा बेनीफिट है बहुत ज़्यादा मिला था जिन्हें कि 1500 रुपया उनकी MSP है और जवान की जी है वह 5200 रुपये है वह भी उनके कन्नै बड़ा बड़ा ये भेदभाव है और DA भी जोड़ा सा जो कोरोना काल में जोड़ा DA हा वह भी जोड़ा काफ़ी 18 महीने का पेंडिंग है वह भी साड़ी मांग है वह भी पूरा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये गलतियां हुई और गलतियां दूर कितिया जाए सरकार अगर ये रिक्वेस्ट है बाकी जो है अगर वो नहीं हुई तो सारे सैनिक जोड़े अज कोई कुछ काम करना नहीं भी पुजा कोई वो सारे मैसेज लगी है और जवान विद फैमिली अफसर जिस का ही पता नहीं है बाकी जोड़े जवान ज सूबेदार तक रैंक है आर्मी कैप्टन वो सारे विद फैमिली अगली बारी रोड जोड़ा वो ब्लॉक करे। जय हिंद जय भारत। साढ़े कन्नै होर भी पूर्व सैनिक ने भारतीय सेना के सर अज तुसीं इत्थे SDM ऑफिस आए मैमोरेंडम दिता की डिमांड्स नहीं होंदियां? मैं रिटायर्ड हौलदार प्रदीप चौधरी अज खोड़ के अंदर साड़ी पूर्व सैनिक समाज सभा ने एक रैली के रूप च खोड़ विच अपना एक रैली कढ़ी जो कि मैमोरेंडम तुहाड़ा SDM की सौंपया गया है। ये जिहड़ी साड़ी आवाज़ है पूर्व सैनिकों की आवाज़ है कि जिहड़ा ORP 2 के तहत खास करिए OR तो लेकर JCO तक भेदभाव होता है क्योंकि अं चाहते हैं सारे सैनिकों की आवाज़ है कि जिहड़ी ORP के तहत जी इन्होंने कैलकुलेशन की है वो थोड़ा थोड़ा मिस गाइडनेस होती है उसी चीज़ की ठीक किया जा उसी लिए अं अपना मेमोरेंडम भी दिता SDM साहब की और खोड़ अज हज़ारों के तहत अं पूर्व सैनिक कट्ठे हुई है अपनी आवाज़ बुलंद की है कि अब साड़ी आवाज़ जी है दिल्ली तक पुजा दिल्ली जंतर मंत्र पहले साढ़े पूर्व सैनिक बैठे देने उनकी भी बुलंद उनकी भी ताकत देने वास्ते सारी जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान से सैनिक का ये कार्यक्रम चला करता है। अं सरकार अगर भी यही आह्वान करना चाहते हैं खास करिए 7 पे कमीशन के बाद JCO OR कन्नै बड़ा भेदभाव होता कि जो देखा तुसें कि JCO OR को इन्हें 2.57 कन्नै कैलकुलेशन की और अफसरें की 2.81 कन्नै की क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब MSP देने की बारी आई कैलकुलेशन करने की बारी आई और अलग अलग विषय पर क्यों जब सैनिक एक ने तो MSP अलग अलग क्यों MSP ऐसा नहीं है कि जवान अलग होएगा अफसर अलग होएगा
ये कुछ ऐसे छोटे छोटे इशू ने खासकर सरकार पर असें विश्वास है कि सरकार ये पर संज्ञान लेग और ये छोटे छोटे बिंदु जड़े ने और सैनिक ये बड़ा ज्यादा रोष है सैनिकों इन चीज़ों की दूर किया जा और सरकार अगर क्योंकि सरकार अगर कि लोगों की सारे विश्वास है कि यही सरकार है जी ये पर सारा काम कर सकती और इन्हें इशुओं पर दिखिए उन्हें पर वेरीफाई कर जितने तक त्रुटि है उसे दूर किया जा ताई जाके सारे सैनिक सारे सरकार कन्नै मिली जुली अगे भी चलते आए अगे भी चलते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। जिया कि आखना हाँ कि अज अस इतने एस डी एम ऑफिस मैमोरेंडम दिता मैं तुम्हें दस्सी उड़ा कि अज पूर्व जो साढ़े सैनिक है ये बस स्टैंड नवें कट्ठे होए कट्ठे हो आए हैं बाजार बिचा पैदल मार्च किया और बाद एस डी एम खोड़ ऑफिस आने आए हैं मैमोरेंडम दिता तुम दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबू अखनूर।